गा के सीधे 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 जाने साइड देते रहो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अर्जुन राम मेघवाल अर्जुन राम मेघवाल वंदे वंदे भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो। यहां तो नहीं था क्या? वाह जी बंदे एक मिनट एक बार में थोड़ा बैक हो जानी ऐसे फोटो ले थोड़ा पीछे होना एक बार थोड़ा बैक होना सर थोड़ा पीछे पीछे फोटो ले हेड टाइप बना लो थोड़ा बैक हो जाओ बैक थोड़ा बैक हो जाओ बैक थोड़ा थोड़ा बैक हो जाओ हां ले लो भाई लेट मत करो भाई जी थोड़ा दुमकल जी अपना जी अब हम पहुंचे हैं मोहनलाल जी वेदी के यहाँ जो रावला के भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके साथ पूरी भाजपा की टीम इनके साथ अभी बधा रही है यहाँ मोहनलाल जी वेदी के यहाँ रावला के अंदर एक बार सामने देखना एक बार सामने कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सिद्धांत चलो अगेन चलो Thank you.
जनता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारा बैठ सभी से निवेदन है कि सामने जो कुर्सियों पे बैठने की व्यवस्था की गई है वहां पर अपना साथ रह गए। आजकल ये जो कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के आगमन पर रावा मंडल की तरफ से किया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजित करने के लिए अपनी जी जान इस कार्यक्रम में लगाए सभी का बहुत बहुत आभार। हार्दिक अभिनंदन।
सामने सामने का
दूसरा विषय था हमारा रेलवे। रेलवे का विषय के लिए मोदी को पता है, आप आए और भी लोग हैं। देखिए रेलवे शुरुआत में से डिफेंस का बजट था, सबको पता है ये अनुगढ़ से बीकानेर वाया छत्तीसगढ़ ये डिफेंस की डिमांड थी आर्मी, लेकिन ये कई सालों से हो नहीं रहा। लेकिन इसका बजट जैसे बजट देने के लिए आए ठीक है डिफेंस का बजट, पर उस समय कुछ चीजें हुई, कुछ बदलाव हुआ, कुछ हलवाई से हुआ, कुछ राधा से हुआ, और डिमांड जनरेटिव थी कि मंडिया जी। आराम से जी, आई
अध्यक्ष जी खड़े हो भाई जी मैं सुना अध्यक्ष जी सके ते वीडियो बना लियो अध्यक्ष जी दो मिनट सामने इधर सामने इधर 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं सुभाष जी के आ जाए एक बंदा देखो पकड़ी पर आपकी आवाज देखो पकड़ी मेरा नंबर दोनों ही कर लेना टेंशन लोहिंदे के जयपी जी जयपाल जी आपने स्टेबलाइजर इन्हें देख लियो इन्हें क्या देख लो इन्हें क्या फोटो सही लो फोटो खोले खोले निकाल सामने 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 दाराम जी बेरिया हमारे श्रीमान गोपी राम जी भुक्कर है हमारे बीजेपी के डायरेक्टर है उनका सम्मान करेंगे विक्रम सिंह रामगढ़िया रामूर्ति मंडा सामने हाँ देखो प्रो प्रो हमें पकड़ा दियो हमें दे दियो हमें देखो इन्हें देखो भाजी मैंने भी देखो एक थैंक यू हमारा दर्शन अपराधी हाँ बंदा सेट कर पूरा सेट कर बी साहब सेट कर सेट कर बंदा पहला नरसी जी लो भाई साहब थोड़ा इधर सामने सामने इन्हें देखो इन्हें देखो फोटो देखो इन्हें थोड़ा धूप लग गई अरे वेरी गुड बंदो छोटो अगो मोटो शरीर देखो सामने देखो दोनों कट्ठे खेत जाके नीचे मैं कर लूं कोई पर आ गया कोई आप पर ले रख जिंदा मोहन है रावड़ा तहसीलदार जी आओ बहुत बढ़िया वीडियो कट मर्जी घूम रहा है जाने को लगा वीडियो स्टेबलाइज हो गया टीम में क्वालिटी फुल क्वालिटी है की मर्जी घुमा ले जान बोलते 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 बोल
सर अधिकारी तो बता रहे हैं 27 तारीख को बीसी है केंद्र सरकार से, क्या है बीसी है 27 तारीख को मीटिंग होगी, तो मीटिंग होगी 27 की होगी, हो सकता है मीटिंग में सूचना दें। मंत्री जी एक जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करसाना ब्लॉक में 86 स्कीमें चल रही है, जम के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, फुल प्रूफ रिपोर्ट हमारे पास है, इस पे आपको उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, मेरे पास है। अगर कुछ चीजें आती है तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे देश में संचालित है और ये शेयरेबल योजना है। इसमें प्लान जो है राज्य सरकारों को बनाना था, एक निर्देश स्पष्ट रूप से गए हैं केंद्र सरकार की ओर से कि कोई भी काम अगर हैबिटेशन में कोई डाणी भी है और अगर उसमें 20 भी घर हैं तो उसको भी जल जीवन मिशन से जोड़ना है। सर्वे अगर ग्राम पंचायतों के माध्यम से किसी कारण से अधूरा रह गया तो उसको दोबारा करा करके भी उस डाणी को साथ में देना है। ऐसा प्लान बना रहा है कि कोई भी 20 घरों की आबादी वाली कोई भी डाणी, कोई भी गांव, कोई भी मजरा, कोई भी टीला जल जीवन मिशन से अछूता नहीं रहे। इसमें पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाना हर घर में जहां जरूरी होगा, और एक टैंक बनाए जाएंगे जहां जरूरी होगा पाइपलाइन डाले जाएंगे। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री ये किसानों का मुद्दा है, किसानों हर टाइम हर वक्त डीएपी के लिए यूरिया के लिए लाइनों में खड़ा रहता है, पीछे भी आया और ये लाइनें खाद आई नहीं, पूरी हो नहीं, वितरण नहीं हो सकी। इस बार फिर भी आज आपने देखा है उसी रास्ते से गुजर रहे थे, कल लंबी लंबी कतारें दिखी, 8,000 गट्टा आया रास्ते में रुक गया, ये क्या मामला है? किसान आज तरह तरह कर रहे हैं, आज लाइनें लंबी। 2014 से पहले परिस्थिति भी आपने देखा, और 2014 से लेकर के आप ये मान लीजिए कि 2021 तक कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है, इसका मतलब मैनेजमेंट ठीक। बाद में चूंकि हम बहुत हमारे लोग बोलने लगे कि देखो यूरिया की पहले लाइनें लगती थी, मोदी जी का पीरियड आया लाइनें बंद हुई, तो जहाँ जहाँ ये कांग्रेस की सरकार है ना उन्होंने देखा लाइनें वापस लगा, तो ये मिसमैनेजमेंट है और कुछ नहीं। मैं इसमें मैंने मनसुख भाई मंडावी से बात की है, गंगानगर जिले में, बीकानेर जिले में या और भी कहीं कोई तंगी नहीं आने देंगे। चंबल का तो ट्रैक हम बहुत जल्दी रवाना कर रहे हैं, जिससे हो सकता है इस एरिया को भी उसका लाभ मिले।
मंत्री रूपगढ़ का रैंक था लगना और ये रस्ते में कैसे आ, मैं कह रहा हूँ मिसमैनेजमेंट है ना, ये तो मिसमैनेजमेंट है मंत्री जी। ये भी इनको भी बता अध्यक्ष जी को भी। मंत्री जी यहाँ रावड़ा मंडी में राज्य केंद्र सरकार की योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजना आवासीय पट्टे नहीं होने के कारण उन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? चाहे हॉस्पिटल है चाहे थाना है उनके पट्टे नहीं है, करोड़ों का बजट पड़ा है। सर देखिए एक लोकल इशू है, लेकिन फिर भी मैं हमारे मोदी जी का भी मत है, प्रधानमंत्री जी का भी, हम भी ऐसा चाहते हैं कि जो आदमी वर्षों से जहाँ रह रहा है और कच्चा मकान उसका पक्का बनना चाहिए, पट्टा उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। यूपी में तो हम इसमें कुछ चेंजेस भी किए, अगर यहाँ ये विषय है तो आप थोड़ा मुझे लिख के देंगे, हम इसका समाधान निकालेंगे। सर रावला से खाजीवाला बीआरओ ने रोड बनाई थी, कारपेट बजट आया था, जगह जगह टूट गई सर, पूरी रोड भी दो महीने में अंडर में थी, दो ही महीने लगे। आप चल के देख लो सर, खड्डे पड़े हैं, इतनी परेशानी होती है। बीआरओ एजेंसी बीआरओ के अंडर में थी सर, ये 23 किलोमीटर ये खाजीवाला से रावला जो बनी है ना सर, 9 किलोमीटर तो छोड़ी, एक बीआरओ में भी क्वालिटी कंट्रोल का एक सेक्शन होता है। मैं अभी आपके माध्यम से जो आप प्रेस वार्ता बता रहे हैं उसके माध्यम से अभी मैं कहता हूँ, लिखे भी पूरी रोड जांच करें, दोषी होगा तो कार्रवाई भी। मंत्री जी रावला खाजूवाला रोड और जल जीवन मिशन दोनों ही बहुत बड़े इश्यू है, मतलब जांच के है सर, ये जांच के दायरे में इसका सर करो आप जरूर जो भी। थैंक यू भाई साहब। सर एक लास्ट जाते जाते सवाल है सर, बिश्नोई समाज का अभी कह रहे थे व्यापार मंडल में कि आरोप है उनका कि कुछ चीते छोड़े गए हैं जंगलों में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो विषय हमारे वन और पर्यावरण मंत्रालय ने क्लियर किया, नेचुरल हैबिटेशन का विषय। ठीक है, धन्यवाद सर।